भारत को लेकर सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। क्या मौसाद के नक्शे कदम पर चल रहा है भारत? भारत के दुश्मनों का इस वक्त लगातार खात्मा हो रहा है, चाहे भारत के दुश्मन देश में हो या फिर विदेश में, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ सालों से भारत के दुश्मन अचानक गायब हो रहे हैं और ऐसा पुलवामा हमले के बाद से लगातार हो रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत मौसाद के नक्शे कदम पर चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत अब आतंकवादियों को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है। इसे लेकर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करने का आदेश दिया। भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक रणनीति भी बनाई और उसी रणनीति के हिस्से के रूप में पाकिस्तान में एक खुफिया ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस ऑपरेशन के जरिए 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 हत्याएं की गई हैं। हालांकि भारत ने इन सभी बातों को सिरे से नकार दिया है। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा किया। रिपोर्ट में दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं की तरफ से शेयर किए गए दस्तावेज का जिक्र भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने 2019 में पुलवामा अटैक की घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी कदम उठाया और विदेशों में अपने दुश्मनों का खात्मा करने की कार्रवाई को शुरू किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय नियंत्रित करता है, जहां से उन लोगों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है जिन्हें भारत अपना दुश्मन मानता है। दावे में कहा गया है कि 2020 के बाद से भारत ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाई की और अब तक 20 लोगों की हत्या करवाई। ब्रिटिश अखबार का कहना है कि इन हत्याओं के पीछे रॉ की भूमिका होने के दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़े सिख अलगाववादियों को भी चुन चुनकर खत्म करने की योजना तैयार की गई है और इस ऑपरेशन को पाकिस्तान और पश्चिम देशों में भी अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दुश्मनों को भारतीय खुफिया स्लीपर सेल खत्म कर रही है। ये स्लीपर सेल ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात से ऑपरेट करती है। ये लोग उनका सफाया कर रहे हैं जिन्हें पीएम मोदी के ऑफिस ने भारत का दुश्मन बताया है। स्लीपर सेल ने हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपए दिए। 2023 के बाद से इन मौतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बाहर मौजूद आतंकवादियों का खात्मा रॉ ने पुलवामा हमले के बाद से तेजी से शुरू किया, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर जैश मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया था, जिसके बाद से भारत के दुश्मनों को मारने की शुरुआत की गई। ये कहा जा रहा है कि भारत ने इसके लिए पहले पूरी प्लानिंग की और फिर दुश्मनों का खात्मा किया। दरअसल 2022 में कराची में गोलाबारी और दुश्मनों को मारने के लिए भारत ने अफगान नागरिकों को लाखों रुपए का भुगतान किया, यानी लाखों रुपए दिए ताकि वो पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को मार डालें। कहा जाता है कि हत्याओं के लिए पहले रॉ के ऑपरेटरों की बैठकें होती हैं। रॉ के ऑपरेटरों की बैठकें नेपाल, मालदीव और मॉरिशियस में हुई थी। पाकिस्तान द्वारा जमा किए गए सबूतों के मुताबिक हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात से प्लान की गई थी। वहां रॉ ने स्लीपर सेल स्थापित किए हैं जो ऑपरेशन चलाकर भारत के दुश्मनों का खात्मा कर देते हैं और इसी के तहत जैश मोहम्मद के कमांडर और भारत के सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक शाहिद लतीफ को मारने का भी प्लान बनाया गया था और इसी प्लानिंग के तहत 20 साल के पाकिस्तानी शख्स ने जैश मोहम्मद के कमांडर शाहिद लतीफ को मार गिराया था। ये कहा जा रहा है कि जिस 20 साल के शख्स ने जैश मोहम्मद के कमांडर और भारत के सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक शाहिद लतीफ को मारा था, उसकी संयुक्त अरब अमीरात में रॉ द्वारा भर्ती की गई थी, जहां वो अमेज़न पैकिंग गोदाम में बेहद कम वेतन पर काम कर रहा था।
पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि उस व्यक्ति को लतीफ का पता लगाने के लिए एक गुप्त भारतीय एजेंट की ओर से 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दिए गए थे और बाद में उसे हत्या को अंजाम देने पर 15 मिलियन पाकिस्तानी रुपए और संयुक्त अरब अमीरात में अपनी खुद की कैटरिंग कंपनी देने का वादा किया गया था, जिसके बाद युवक ने सियालकोट की एक मस्जिद में लतीफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर और भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल सलीम रहमानी की हत्या की योजना भी संयुक्त अरब अमीरात से रची गई, जिसके लिए भी लाखों रुपए का भुगतान किया गया था। रहमानी की मौत को एक संदिग्ध व्यक्ति की तरफ से अंजाम दिया गया था, जिसके बाद कहा गया कि रहमानी की मौत भारत ने करवाई है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भारत ने इसराइल की मोसाद और रूस की केजीबी जैसी खुफिया एजेंसियों से प्रेरणा ली है और भारत की एजेंसियां भी उसके जैसी बनती जा रही हैं और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर ये एजेंसियां मार रही हैं, क्योंकि इन एजेंसियों के बारे में कहा जाता है कि अपने दुश्मनों को विदेशी धरती पर जाकर खत्म कर देते हैं और भारत भी ऐसा ही कर रहा है। दरअसल मोसाद एक खतरनाक एजेंसी है। मोसाद ने पिछले कुछ सालों में ट्रैप्ड कारों, फोन बम, रिमोट कंट्रोल बंदूकें और जहर जैसे तरीकों का प्रयोग करके अपने दर्जनों दुश्मनों को ढेर किया है। जासूसी की क्रूर तकनीकों ने इसे खतरनाक एजेंसी बना डाला है। इस वजह से ही इसके जासूसों का नाम लेते ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। 1940 के दशक के अंत में मोसाद का गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक इसके जासूसों ने देश के सैकड़ों दुश्मनों को ढेर कर दिया है। मोसाद के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप है जो कई ऑपरेशनों को अंजाम देता है और उसे सिजरिया यूनिट कहा जाता है। मशहूर इजरायली जासूस माइक हरारी ने 1970 के दशक की शुरुआत में इस यूनिट की स्थापना की थी, जिसके बाद इसके जासूसों ने अपने दुश्मनों को मारना शुरू किया। खैर, दुनिया के हर एक शक्तिशाली मुल्क के पास अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है। इन एजेंसियों का काम होता है कि वो देश पर होने वाले किसी भी हमले की जानकारी समय से पहले मुहैया कराए। इसके अलावा इन्हें कई बार अपने दुश्मनों का खात्मा उसके देश में जाकर ही करना होता है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन दुनिया में कई देशों के पास ऐसी एजेंसी है जिसने इस काम में महारत हासिल कर रखी है, जिसमें अब भारत भी है और भारत अब अपने दुश्मनों को उसके घर में घुस कर मार रहा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।